शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज है हमारा बनारस में डे 3। हमारे अभी तक दर्शन नहीं हुए हैं, मम्मी पापा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, तो आज हम लोग जा रहे हैं एक बार ट्राई करने के लिए। वैसे आज मंडे है, शिव जी का डे है, तो लग तो नहीं रहा कि दर्शन होंगे, बहुत भीड़ है और देखते हैं आज हो पाते हैं दर्शन कि नहीं हो पाते हैं, क्योंकि शर्ली भी है साथ में, तो इसके साथ उतनी लंबी लाइन में लगना नहीं हो पाता है पॉसिबल। और हम लोगों ने हमारे होटल से चेकआउट कर लिया है, ग्रैंड ओजस में हम लोग स्टे कर रहे थे। इस मंदिर में दर्शन हमारे नहीं हो पाए, तो हमने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो पहलवान लस्सी बहुत फेमस है यहाँ पे, बट लोकल से पता चला कि एक और लस्सी है, रामगढ़ फोर्ट के जस्ट पास में ही है, पुल क्रॉस करते ही फर्स्ट शॉप है इनकी, और 50 रुपीज़ है पर लस्सी। तो गाइज आ गया टाइम यहाँ से जाने का, और शर्ली के साथ जितना व्लॉगिंग हो सकती थी मैंने ट्राई किया उतनी करने की। तो लगेज हमने ऊपर रखवा लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए। तो पहुँच गए हम लोग वाराणसी स्टेशन और अब हम वंदे भारत का वेट कर रहे हैं। आज थोड़ी सी लेट हो गई है और वंदे भारत लेकर के हमें जाना है प्रयागराज। 1.5 घंटा लगेगा ऑलमोस्ट, और बहुत ट्रैफिक जैम रहता है गाइस बनारस में। अगर आप लोग भी बनारस विज़िट कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप परेशान हो जाओगे, और बच्चे के साथ तो बिल्कुल। तो हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में और 1.5 घंटे की जर्नी है ये, सेकंड क्लास है हमारा इस बार, और जो हमारा प्रयागराज से दिल्ली की जर्नी होने वाली है कल वो है एग्जीक्यूटिव क्लास में। तो हमें बस ट्रेन स्टार्ट होते ही स्नैक्स सर्व कर दिया है, एक एप्पल जूस, एक कचौरी सैंडविच, और ये पॉपकॉर्न और ये चाय के लिए कप। तो ये सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमें राजधानी में मिला था खाना, आई थिंक इनका स्टैंडर्ड है ये। तो स्नैक्स खाने के बाद शर्ली फाइनली सो गई है और एक सीट पीछे हमें एम्प्टी मिल गई है, तो उसमें शिखर चला गया है। तो सामने स्क्रीन लगी है और डिस्प्ले में स्पीड भी लिखी हुई आ रही है, साथ ही में इस ट्रेन में वाईफाई भी है। दिखाना पापा अपना फ़ोन, कर लिया कनेक्ट वाईफाई से? वाईफाई से कनेक्ट कर लिया? तो पापा ने अपना फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं हमारे होटल,
ग्रैंड कॉन्टिनेंटल प्रयागराज। तो ये दो रूम्स हैं हमारे। ये है हमारा दूसरा रूम और काफ़ी स्पेशियस है, तो शेल्डी को बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे, और इनकी सीलिंग भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो बस अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। इस बार ब्रेकफास्ट हमने इंक्लूड कराया हुआ है, और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग जाएंगे सीधे संगम। और शेल्डी को बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत स्पेशियस रूम है, तो भागने दौड़ने के लिए भी स्पेस अच्छा है यहाँ पे। पकड़ो 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 शर्ली को, पकड़ो 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 पकड़ो। तो यहाँ पे बेबी सीट्स मोस्टली होटल्स में नहीं होती है इंडिया में, तो स्ट्रॉलर में बिठा के हमें इसे खाना खिलाना पड़ता है। और कल था क्रिसमस, इसलिए यहाँ पे डेकोरेशन क्रिसमस वाली हो रखी है। तो यहाँ का बुफे स्प्रेड बहुत अच्छा है, मोस्टली इंडिया में अच्छा ही होता है, क्योंकि हम इंडियंस को अपना खाना ही पसंद आता है। तो यहाँ पे बुफे में आपको इडली, डोसा, पोहा, वाओ जलेबी भी है, पोटैटो विजेस, वड़ा, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम लोग आ गए स्विमिंग पूल एरिया में, और यहाँ पे थोड़ा शर्ली को स्पेस मिल गया है चलने के लिए। पकलो शर्ली को, पकलो शर्ली, पापा के पास आओ आओ, पकड़ो पकड़ो शर्ली, मुझको पकड़ो, मुझको पकड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो, पापा को पकड़ो, पापा को पकड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो। आई होप गाइज आपने मेरा आज का वीडियो इन्जॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।